हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में। चूंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इसके बारे में कि जब हम क्या करते हैं, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई। जिसमें हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, सेम उसी जैसे एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, दिख रहा है सबको। देयर आर ट्रांजेक्शन एज ऑन 1 जून 2020 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स एस पी लॉजिक पी सी वर्ड बाई इनवाइस नंबर B2B003 एंड अलाउ डिस्काउंट फ्लैट कितना परसेंट, 5% एंड एडिशनल चार्ज यानी कि फ्रेट चार्ज लग रहा है कितना, 2% एंड पैकिंग चार्ज कितना है, 1%। और नीचे यहाँ पे क्या दिया गया है, आइटम क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, आइटम, और यहाँ दिया गया है क्वान्टिटी, और ये क्या है रेट, और इसी में आपको मिल जाएगा GST। अब हमको यही ट्रांजेक्शन करना है। ये ट्रांजेक्शन करने से पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक दे रहा है नोट, क्या दे रहा है नोट। अब कह रहा है चूंकि इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट दिया गया है, ये जो 15 दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा 5 बना लीजिएगा, बाय मिस्टेक वहां पे लग रहा है कितना हो गया, 15 कितना रहेगा, 5% हो गया। डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पे, 5%, और आगे फ्रेट चार्ज लग रहा है कितना, 2%, और पैकिंग चार्ज लग रहा है कितना, 1%। अब इतना का कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वाउचर क्लास को क्या करना होगा, नॉट अप्लीकेबल रखना होगा। क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। अब ध्यान दीजिए क्यों नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और सेल करते दौरान हमने क्या किया, क्लास बनाया B2B में और B2C में, किसका, सेल्स लोकल का और सेल्स इंटरेस्टेड का, यही क्लास बनाया है ना। तो क्लास बनाते समय हम सिर्फ क्या लगाए हैं, उसमें CGST SGST और उसके बाद से राउंड अप लगाए, यही लगाए ना। इसके अलावा इसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगाए, चाहे हमारा वो फ्रेट चार्ज हो, चाहे पैकिंग चार्ज हो, और चाहे हमारा वो क्या हो, डिस्काउंट हो। तो ये सब हो जो जिस क्वेश्चन में आ जाएगा। अब आप सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस से बिजनेस कोई भी सेल कर रहे हैं, आया समझे ना। लेकिन सेल करते दौरान आपको क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, 5% का डिस्काउंट भी देना है, एडिशनल चार्ज भी लगाना है, चाहे वो फ्रेट चार्ज हुआ, चाहे वो पैकिंग चार्ज हो, यानी कि सारा चार्ज आपको लगाना है। तो जब आप क्या करेंगे, अपने वाउचर क्लास को अप्लीकेबल रखेंगे, क्या करेंगे, अपने वाउचर क्लास को अप्लीकेबल रखेंगे, तब आप इसमें से कोई टाइप नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज में भी, और उसके बाद से फ्रेट चार्ज में भी, और उसके बाद से पैकिंग चार्ज में भी, यानी कि ये कोई टाइप नहीं कर सकते। कब, कि जब आप अप्लीकेबल रखेंगे तब। इसलिए आपको वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। उसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना है पहले गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, और क्या दबाना है, या फिर सेल्स वाउचर में क्या लेना है, सेल्स B2B। लेकिन जब हम आएंगे वाउचर क्लास में, फिर क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पे, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय डिस्काउंट अलाउ इन परसेंटेज का लेजर इन डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से बनाएंगे। हमको क्या करना होगा, जब डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके नीचे साथ साथ हम ये भी बताते चले, दिया स्टॉक क्वेरी, क्या दिया है, स्टॉक क्वेरी। अब स्टॉक क्वेरी का मतलब क्या है कि हम कौन सा सामान कितना में परचेज करके लाए हैं, कितना में सेल करेंगे, वो अगर हमको समरी देखना तो वही हमारा कहलाता है स्टॉक क्वेरी। अरे समझ में, अब ये कह रहा है कि गुड्स को सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहते हैं, तो सेल वाउचर में स्टॉक आइटम को क्या करेंगे, अल्ट के साथ यस बटन दबाकर स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस ऑप्शन की तरह ओपन हो जाता है। यानी कि जैसे ही ऑप्शन ओपन हुआ है, सेम इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब चलिए, सबसे पहले हमको जाना कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है वाउचर में, और क्या दबाना है, या फिट बटन। तो हम उसके बाद हमको क्या लेना है, वाउचर क्लास वाउचर नेम में सेल्स B2B। चलिए हम ओपन कर लिए टैली, ये SP लॉजिक वर्ड का पहले ही बना हुआ है ना लेजर, SP लॉजिक वर्ड का बना है पहले ना। चलिए हम चेक कर लेते हैं, कंपनी हमारा कहाँ पे है, सेलेक्ट कंपनी, और इसके बाद चले जाएंगे कहाँ पर, अब करते हुए डी ड्राइव में, कहाँ जाना है,
डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में आने के बाद फिर किस फोल्डर में है, किस में? टैली 3PM, इसी में है ना, और टैली 3. अब चलिए हम यहाँ से क्या किए, हम यहाँ से किए पहले अपना डेट चेंज कर लिए, जो भी हमको डेट रखना है। हो गया, उसका कहाँ चले जाना है? वाउचर में, वाउचर में हमको क्या दबाना है? F8। यहाँ से सेल्स हमको कौन सा लेना है? B2B। और यहाँ क्लास हमको क्या रखना है? सेल्स लोकल या ये सेल्स इंटरस्टेट रखना है, बल्कि क्या रखना है? नॉट अप्लीकेबल। चलिए थोड़ा सा हम इंट्रो करा देते हैं इसका, अगर जो अप्लीकेबल रखेंगे तो क्या होगा, इंटरस्टेट ले लीजिए चाहे लोकल ले लीजिए। चलिए हम लोकल ही ले लेते हैं यहाँ से। ध्यान दिए ऑटोमेटिक आप क्या उठा रहे हैं, CGST और SGST। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम लगाना चाहेंगे कोई भी एडिशनल चार्ज चाहे डिस्काउंट, तो यहाँ पे ये लगने वाला नहीं है। इसलिए जब भी हम ये वाउचर बनाने जाएंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स V2 भी लेंगे और इसके क्लास को क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। दिख रहा है सबको, पार्टी नेम क्या दिया है? SP लॉजिक PC बोर्ड, यही है ना। चलिए इसका स्टेट कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है ना, कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश। तो जब ये उत्तर प्रदेश का है, इसमें GST कौन सा लगेगा? CGST और ESGST। चलिए हम इंटर किए, अब ये सेल्स लोकल हुआ कि इंटर स्टेट, तो हमारा कंपनी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ही सेल करे फिर क्या होगा, सेल्स लोकल। अब उसके बाद से दे रहा होगा नीचे आइटम, आइटम क्या दे रहा है? WD। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हम कहाँ से पता किए SP लॉजिक PC बोर्ड का, तो आप लोग को पहले ही लेजर बनवाया गया होगा, आप लोग बनाए एक बार सिर्फ लेजर ना, यानी कि पहले आप लोग स्टॉक आइटम बनाए थे और जस्ट उसके नीचे क्या बनाए थे, लेजर। आ रहा समझ में ना, तो जब आप लेजर बनाए होंगे तो उसी में आपका स्टेट दिया होगा किस स्टेट का है। आ रहा समझ में ना, हम कहाँ से चेक किए हैं, तो जैसा हम यहाँ से पार्टी नेम लिए हैं, क्या लिए हैं, पार्टी नेम, SP लॉजिक, और इंटर किए हैं, इंटर करते हुए आए हैं, तो यहीं पर हमको दिख गया कि स्टेट कौन सा हमारा है, उत्तर प्रदेश। दिख रहा है सबको ना, यानी कि पार्टी इसका पहले का कहाँ बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब चलिए आइटम हमारा कौन कौन सा दे रहा है, तो WD 500 GB HDD भर देंगे यहाँ पे, WD 500 GB HDD। कहाँ से ये सेल करेंगे, कहाँ पे है ये, वेयर हाउस पे। कितना क्वांटिटी है, 5। रेट कितना दिया है, कितना दिया है, 3500। और आइटम चलिए अगला आइटम क्या दिया है, अगला आइटम कह रहा है सनडिस्क कर्जर ब्लेड, हम यहाँ पे टाइप कर दिए सनडिस्क, यही वाला है ना। कहाँ पे लोकेशन है इसका, तो 30 पीस खरीद कर रखे हैं शॉप पे। क्वांटिटी कितना दिया है, 20। रेट कितना दिया है, 350। उसके बाद से अगला आइटम कह रहा है RAM 2GB DDR2, कितना पीस है, 5 पीस। यहाँ टाइप कर दिए RAM DDR2, कहाँ पे ये है, वेयर हाउस, 5 पीसेस है, रेट कितना है, 500 हो जाएगा। अगला आइटम क्या दिया है, Nimble 4G Android टैबलेट, चलिए टाइप कर दिए Nimble 4G। नहीं बनाया क्या पहले, ये बना था ना, कहीं लीक नहीं हो गया है ना। नहीं दिख रहा, लग रहा डिलीट हो गया है। चलिए हम क्रिएट ही कर लेते हैं, क्या दिया है, Nimble 4G Android टैबलेट। रेट कितना दिया है, 12,300 दिया है ना, तो जब हम क्रिएट करने गए तो बना दिए इसका Nimble 4G टैबलेट। प्राइमरी क्या रहेगा इसका, है टैबलेट रहेगा ना। चलिए क्रिएट कर लिया यहाँ पे, क्या है टैबलेट, और नीचे वाले सेट अल्ट्रा जीएसटी को क्या करेंगे, यस। डिस्क्रिप्शन में क्या भर देना है, टैबलेट, और टैबलेट भरने के बाद से इसका एचएसएन कोड दिया, एचएसएन कोड चलिए नहीं दिया था, हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए। इसको क्या कर लेंगे, टैक्सेबल, और 18% दिया है ना, कितना दिया है, 28।
चलिए 28 टाइप कर दिए और यहाँ से क्या कर लिए सेव। और उसका से कैटेगरी में हम क्या भरेंगे निम्बल नहीं है तो चलिए हम नॉट अप्लीकेबल फिलहाल रहने दिए और यूनिट क्या रख लेंगे यहाँ से पीसेस और इसको क्या कर लेंगे सेव। अब ये कितना हो रहा है क्वांटिटी कितना दिया है 5 पीस। कितना रेट है 12,300 यही है ना। चलिए उसके बाद से अगला आइटम लॉजिटेक। चलिए यहाँ टाइप कर दिया हम लॉजिटेक का। लॉजिटेक का भी नहीं बनाया क्या जी यही है ना लॉजिटेक एम ये तो बना था ना जी परचेज करते समय हम लोग बनाए थे साथ ही। चलिए बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अंडरग्रुप इसका किस में जाएगा माउस और इसका कैटेगरी लॉजिटेक। चलिए क्रिएट ही कर लिया यहाँ पे लॉजिटेक। उसका किस में जाएगा पीसी। अब देखिए वहां पे हम क्या करना है सेव कर लेना है। सेव करने वाले लोकेशन हम ले लेंगे फिलहाल शॉप से और इसका क्वांटिटी कितना दिया है 8 पीस रेट 360। उसका अगला आइटम लेनवो 100 वायरलेस कम्बो। टाइप कर देंगे यहाँ पे लेनवो 100 वायरलेस कम्बो। इसका लोकेशन कहाँ पे है शॉप ले लिए। कितना क्वांटिटी 6। उसका से रेट कितना 1230। उसके बाद अगला आइटम जियो वाईफाई MS M2S। टाइप कर दिया यहाँ पे जियो वाईफाई ये वाला है ना। अब चलिए इसका लोकेशन कहाँ पे है 100 क्वांटिटी 5 रेट 1000। सेव कर लिया। अगला और कोई आइटम दिया है इंटर करेंगे और एक बार और क्या कर देंगे इंटर। तो अभी हमारा यहाँ पे लगने वाला है डिस्काउंट अलाउ। क्या लगने वाला है डिस्काउंट अलाउ जो कितना परसेंट दिया है 5%। तो आपको बताए थे कि जब भी डिस्काउंट रिसीव आए या डिस्काउंट अलाउ आए तो आपको क्या रखना है वहां पे माइनस में टाइप करना है हो जाएगा। अगला आपको मिल दे रहा है कौन सा फ्रेट चार्ज मिल रहा है ना। चलिए हम इसको बना लिए ट्रांसपोरेशन चार्ज यानी कि भाड़ा का चार्ज। क्या बना लिए बना है पहले से ना। चलिए हम ले लिए ट्रांसपोरेशन चार्ज। कितना लग रहा है 2%। रेट कितना है इसका पैकिंग चार्ज 1%। चलिए अब टोटल अमाउंट बता रहा है आपका टोटल कितने का आएगा 80 पैसा। देखिए ज्यादा जा रहा है ना हम यहाँ पे कर दिए क्या राउंड अप। क्या कर लेंगे राउंड अप। अब बता रहा टोटल आपका कितना हो रहा है 1,91,979 हो जाएगा। क्या देखिए नोट्स में इतना दे रहा है आज स्क्रॉल करके नीचे। अच्छा अभी जीएसटी हम लोगों ने नहीं लगाया है ना। चलिए हम यहाँ लगा लेते हैं जीएसटी। पहले राउंड ऑफ हटाए और यहाँ लगा लिए सीजीएसटी। सीजीएसटी के पास क्या लगाएंगे एसजीएसटी। अभी देखिए जीएसटी ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है ज्यादा जीएसटी। तो उसके नीचे पहले हम लोग चेक कर लें अपना स्टॉक क्वेरी। क्या चेक कर लें स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी चेक करने के लिए बता रहा है क्या प्रेस करना है अल्ट के साथ यस। तो हम आ गए अपने टैली पे यहाँ दबा दिए अल्ट के साथ यस। तो बता रहा है कि आप कितना में परचेज किए थे एक एंटरप्राइजेस से हुआ है 10 पीसेस। क्या HDDW यही परचेज किए थे हम लोग एक एंटरप्राइजेस से। जितने का परचेज किए रहेंगे वो यहाँ पे क्या दिखाएगा उसका कास्ट दिखाएगा। कितने का पड़ा था 3,200 और यहाँ पर रेट हम कितना भरे हैं चलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाए। WD का कितना भरे हैं 3,500। यहाँ पे हमारा लॉस में जाएगा प्रॉफिट में जाएगा प्रॉफिट में यही चाहिए ना। यानी कि खरीदे कितना में चलिए अल्ट के साथ कर दिए फिर यस। कितना में खरीदे हैं 3,200। कितना में सेल कर रहे हैं 3,500। अब उसके बाद हमको ये चेक करना है यहाँ पे जीएसटी एनालिसिस। तो जीएसटी एनालिसिस चेक करने के लिए आप लोगों को बताए थे ना कि चेक कर सकते हैं किस में जीएसटी लगा और किस में नहीं लगा। तो आप दबाइए अल्ट के साथ ए बटन और अल्ट के साथ F5। सब में दिख रहा है ना। एक में 14% दिख रहा है किसमें तो एंड्राइड 4G निम्बल वाले में यही दिख रहा है ना। यानी कि 14 14 कितना हो जाएगा
28%। तो जीएसटी हमारा कुछ ज्यादा ही आ रहा है, जीएसटी ज्यादा आ रहा है ना, कितना आ रहा है जीएसटी बताइए आप लोग, जीएसटी कितना आ रहा है उसमें, कितना दिया है 9,000। चलिए हम भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, इसमें जीएसटी दिया है टोटल कितना, 9,178.10, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 12,813.62। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि जो एंड्राइड में हम जीएसटी लगाए हैं वो कितना होना चाहिए, 18 उसको बना लीजिएगा आप लोग, कितना बनाना है, 28 हुआ है ना, 18 कर लीजिएगा, यहाँ से क्या कर लेंगे सेव। अट्ठाईस को 18 बना लीजिए क्योंकि जीएसटी में वहां मिस्टेक है। अब देखिए अभी भी कितना बता रहा है, 9,646.37। तो आप लोग को बताया थे कि जब भी आप लोग डिस्काउंट अलाउ बनाइएगा तो यहाँ से क्या करना है, जीएसटी और यहाँ से वो हो जाएगा। अब देखिए आपका जीएसटी किया इतना, क्या इतना आया आया है, 9,178.10। क्लियर है सबको, यानी कि कहाँ कितने जगह से मिस्टेक था, दो जगह से। पहला हमारे इस पे जीएसटी कितना होना चाहिए था, 18, कितना लगा था, 28। दूसरा चीज कि जो डिस्काउंट अलाउ कर ले जा रहे, इसमें हमको क्या करना है, जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल, चूंकि हमने यहाँ से क्या रखा था, अप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ से सेव। तो अब इसमें देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन हमने क्या क्या इसमें सीखा, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब आप क्या करेंगे कि जब आपका कोई भी एडिशनल चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, एडिशनल चार्ज, तो उस समय आपको वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल, क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल। दूसरा चीज हमने आपको बताया कि अगर जो आप क्या करेंगे अपना कोई आइटम सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय आपने कितना उसका रेट लगाया है, खरीदा है, वो रेट चेक करना है, तो आपको क्या चेक करना होगा, स्टॉक क्वेरी, जो चेक करने के लिए हमने बताया उसका शॉर्टकट की क्या दिया, अल्ट के साथ, यस। हो जाएगा यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ ये रखने के लिए नहीं बता रहा, ये सेल करने के लिए बता रहा है। तो हम आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जब आपको परचेज करना है, क्या करना है, परचेज करना है, तब आपको डिसाइड करना होगा कि आप ये कहाँ रख रहे हैं, शॉप पे रख रहे हैं कि वेयर हाउस पे रख रहे हैं, आ रहा है समझ में ना। लेकिन जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको क्या होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपका शॉप पे वो क्वांटिटी है कि कहाँ पे है, वेयर हाउस पे है। तो अगर जो शॉप से है तो आप क्या सेलेक्ट करिए, शॉप, और अगर जो वेयर हाउस पे, वेयर हाउस पे, तो क्या सेलेक्ट करिए, वेयर हाउस। और अगर जो दोनों जगह से है तो पहले आप कहाँ से सेल करेंगे, शॉप से, आ रहा है समझ में ना। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा वेयर हाउस पे है तो वेयर हाउस से ले ले रहे हैं, और हमको लग रहा है नहीं शॉप पे है तो कहाँ से ले रहे हैं, शॉप पे, और दोनों जगह दिया तो भी हम कहाँ से ले ले रहे हैं, शॉप से। अब क्लियर हुआ, चलो आ जाओ यहाँ पे, यही आइटम लिया है ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं ना, जब इंटर कर रहे हैं फिर इंटर स्पेस बटन दबा दिया, बता रहा वेयर हाउस आपका कितना क्वांटिटी है, 10 पीसेस। शॉप पे है नहीं तो शॉप से थोड़ी बेचेंगे, कहाँ से बेचेंगे, वेयर हाउस से। अब आए समझ में ना, इसीलिए हम यहाँ से क्या ले लिए हैं, वेयर हाउस। अब दूसरे जगह गए, दूसरे आइटम पे जब गए हैं तो यहाँ से हम क्या ले लिए हैं, शॉप, क्योंकि ये बता रहा आपका वेयर हाउस पे नहीं है बल्कि कहाँ पे है, शॉप पे। अब आ रहा है समझ में ना, इसलिए हम यहाँ से क्या ले लिए हैं, शॉप। अगर यही हम यहाँ से ले लिए होते वेयर हाउस, जब 20 क्वांटिटी टाइप करके एंटर करें, जब बताया किस में जा रहा है, निगेटिव में, आपके पास है नहीं तो आइटम आप सेल नहीं कर सकते। फिर जब आप वेयर हाउस पे यहाँ आएंगे पुनः वापस बैक, और यहाँ स्टॉप करेंगे और इंटर करेंगे, तो आपका कोई भी निगेटिव मार्क नहीं दिखेगा, आ रहा है समझ में अब ना, अब हो जाएगा। चलिए अब हम इसको कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब अगला आपको दे रहा होगा एक ऑप्शन, कौन सा अगला टॉपिक इसमें क्या दे रहा है, इनवाइस प्रिंटिंग, क्या दे रहा है, इनवाइस प्रिंटिंग। अब कह रहा है कि प्रायः हमें सेल इनवाइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है, लेकिन जब टैली में हमें क्या करना होता है, वाउचर या इनवाइस को प्रिंट करना चाहें, तो इस वाउचर को ओपन करके फिर हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। अगर हम 3
किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय प्रिंट करना चाहें तो हमें इस उस वाउचर को अल्टर कर कर सकते हैं। फिर आ कह रहा है इसके लिए क्या करना हो आपको, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। तो पहले हम इसके बारे में ये बता दें कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, उस सेल करते समय को तुरंत वहां क्या करना होता है, एक इनवॉइस प्रिंट करके उस सामने वाले कस्टमर को देना होता है। आ रहा समझ में ना? लेकिन जब हम परचेज करते हैं तो पहले से ही हमको क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है, उसको प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इनवॉइस से ही देख हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। आ रहा समझ में ना? तो उस परचेज इनवॉइस को हमको प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करते समय सभी कस्टमर को हमको इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। हम ये चाहते हैं कि हमको बार बार वहां पे अल्ट पी नो करना पड़े, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनवॉइस प्रिंटिंग का। अब ध्यान दीजिए, जब हम ये जितना क्वेश्चन किए हैं तो क्या किसी में प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया है, प्रिंट करने के लिए आया है, नहीं। अगर प्रिंट करने के लिए कोई कहे तो हमको पुनः जाना होगा स्केप से पीछे टेब बुक में, और यहाँ देखना होगा हम कौन सा वाउचर की एंट्री कर रहे थे, उस वाउचर को आपको क्या करना होगा, ओपन करना होगा, और ओपन करने से अल्ट के साथ क्या दबाना होगा, पी। फिर आपको जाना होगा करंट पे, और यहाँ आपको क्या चेक करना होगा, या तो प्रिंट करिए या तो यहाँ से क्या चेक कर लीजिए, आ रहा समझे ना? लेकिन आप ये चाहते हैं कि जैसे हम इस क्वेश्चन को सेव करें तुरंत हमसे कहे इस इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले चले जाना है कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना है, अल्टर, और अल्टर में जाने के बाद से वाउचर टाइप, उसके बाद फिर किस में जाना है, अल्टर। अब क्या रहा है, सेलेक्ट वाउचर, आपको वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, और वहीं एक आपको फीचर्स मिलेगा, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी कि क्या करना है, जैसे आपका वाउचर सेव हो जाए तुरंत उसको क्या कर देना है, प्रिंट। तो उसको क्या कर लेना होगा, यस, जैसे एक उदाहरण दिखा रहा है कि आप सेल्स बी टू बी का ही कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, बी टू बी का। अब ये अगर आपको करना है तो आपको अल्टर में जाना होगा, वाउचर टाइप में सेल्स वाउचर लेना है, और प्रिंटिंग इनवॉइस को क्या कर देना है, यस कर देना। चलिए इसके लिए हम आगे गेटवे ऑफ टैली पे, फिर कहाँ चले गए, अल्टर, अल्टर में आने के बाद से वाउचर टाइप, सेल्स बी टू सी का, बी टू बी का है ना, ले लिया यहाँ से सेल्स बी टू बी। अब आपको यही ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि जैसे हमारा वाउचर सेव हो जाए तुरंत बाद क्या आ जाना चाहिए, प्रिंट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। इस फीचर को यहाँ से क्या कर लेंगे, यस, और यहीं से कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब चलिए अब हम कोई भी एंट्री करेंगे, अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे और बता रहा है कि ऐसा करने से जैसा कि हम वाउचर एंट्री करते समय वाउचर को सेव करेंगे तुरंत ही प्रिंट ऑप्शन शो हो जाएगा, कि जैसे हम उस वाउचर को सेव करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, हमको दोबारा से प्रिंट ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कह रहा है, अगर किसी पुराने वाउचर को प्रिंट करना चाहें तो हम डे बुक में फिर क्या करना होगा, वाउचर को ओपन करके अल्ट पी बटन दबा के प्रिंट कर सकते हैं। आया समझ में? लेकिन अब सपोज करिए आपने क्या किया, पहले से कोई एंट्री सेव कर ली है, अब उसको करना था, आपको कहाँ जाना है, टे बुक में, टे बुक में जाने के बाद उस पार्टी को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करे फिर आप क्या करिए, अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करिए, फिर कहाँ चले जाइए, करें, और तब जाके प्रीव्यू चेक करिए। लेकिन जब आप तुरंत क्या करेंगे, किस वाउचर को सेव करेंगे, इसी को हम कंट्रोल क्या कर लिए, एक्सेप्ट। जैसा हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए तुरंत ऑप्शन आ गया किसका, प्रिंट इनवॉइस। क्या ये इनवॉइस हम लाने गए हैं, एक और ध्यान दीजिएगा, वाउचर हम ओपन कर लिए, ये वाउचर हम तुरंत एंट्री किए हैं, आ रहा समझे ना, अब एंटर करते हुए चले गए, वाउचर सेव करने के लिए कह रहा है, दिख रहा है सबको ना। अब जैसे हम सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमसे कह रहा है आपको क्या करना है, ये बिल्कुल हम यहाँ से क्या कर दिए, नो, ये बिल की अभी हमको नहीं जाना, तो डायरेक्टली पहले किसका ऑप्शन आ जा रहा है, प्रिंट का। अब प्रिंट करना तो प्रिंट करें, नहीं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। हो जाएगा, इसको समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। चलिए अब इसके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कि अगर जो आप क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और सेल करते वक्त आपका उसमें क्या मिल रहा है, कि जितने अमाउंट का परचेज कर रहे हैं उसी परचेज में आपका जीएसटी इंक्लूड है, तो उसके लिए आपको किस फीचर्स को एनेबल करना होगा, इंक्लूसिव, किसको करना होगा, इंक्लूसिव ऑप्शन को। अभी कह रहा है कि जब हम
गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसे हम टैक्स, क्या लिखा है यहाँ पर जी, इसको पहले लिख लीजिएगा, जो पीले लिखा है ना, टैक्स पहले से लिख लीजिएगा, पहले से जुड़ा हो, पहले लिख लीजिएगा। हो गया, चलिए बड़ा ध्यान दीजिए, क्या बता रहे थे कि जब हम कोई भी गुड्स क्या करते हैं, गुड्स सेल करते समय वाउचर एंट्री करते हैं, तो उसमें हम ऐसा रेट भरना चाहते हैं कि जिसमें टैक्स पहले से ही क्या हुआ हो, जुड़ा हो, यानी कि क्या हो, इंक्लूड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कहेंगे, यानी कि जो हमारा क्या है, सप्लायर ने जो हमको सेल करके दिया उसी में जीएसटी इंक्लूड कर दिया, बाहर से हमको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। सपोज करिए आप 30,000 का कोई सामान खरीदे, तो वो 30,000 का सामान खरीदेंगे तो उसी में आपका जीएसटी है, अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे, इस फीचर्स को एनेबल करना हो तो आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर कहाँ चले जाना है, वाउचर में, फिर आपको सेल्स ले लेना है, फिर क्या प्रेस करना है, EF12 कॉन्फिगर के लिए, और उसका से आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या कर लेना होगा, यस। अब कह रहा है फीचर्स एनेबल करने के बाद वाउचर में अब आपको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा, इस बार एंट्री करते समय रेट यानी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को क्या करेंगे, कॉलम में रेट को भरेंगे। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे दो फीचर्स दिखाई दे, पहला क्या दे रहा है, रेट यानी कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेट, आ रहा समझ में ना। अब इसके लिए हम क्या किए, चले गए फिर पुनः अपने टैली टैली पर, और यहाँ आने के बाद हम चले गए कहाँ, गेटवे ऑफ टैली, फिर आ जाएंगे वाउचर, वाउचर में आने के बाद हमको कौन सा बटन दबाना है, सेल्स में जाना है, सेल्स में जाने के बाद हमको क्या दबाना है, EF12 यानी कि कॉन्फिगर के लिए, सेल्स वाउचर में आ चुके हैं EF8 से, आ रहे समझे ना, अगर जो नहीं आते तो हम यहाँ से EF8 बटन दबाना पड़ता, फिर कहाँ चले जाएंगे, कॉन्फिगर में, कॉन्फिगर में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, यस हो जाएगा, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब जैसा हम ऐसा करते हैं तो ध्यान दें यहाँ पे आपको दो कॉलम दिखाई देंगे, कितना कॉलम दिखाई देंगे, दो, यानी कि यहाँ पे वही रेट हमको भरना होगा जो रेट हम परचेज करके लाए। अब इसके लिए देखिए कोई ट्रांजेक्शन दे रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीसेस ऑफ लेनवो G56 डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर केयर, रेट कितना दिया है, 30,000 इनवाइस नंबर, B2B कितना है, 004, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर केयर से एक लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं जिसका रेट कितना है, 30,000 है। अब ये 30,000 में हमको बताया जा रहा है कि नहीं इसमें जीएसटी क्या है, इंक्लूड है, बाहर से हमको जीएसटी नहीं लेना है, यानी कि हमको सी जीएसटी और यस जीएसटी लगाना भी है, लेकिन हमको क्या करना है, बाहर से जीएसटी नहीं ऐड होना चाहिए, जो 30,000 हम रेट टाइप किए रहेंगे ना उसी में उसी को जीएसटी को जोड़ करके टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 30,000, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम ये आइटम ये एंट्री कर लेते हैं, इसका क्या करना है, पहले टैली पे आ जाना है, यानी कि हम लेना यहाँ से या फिर सेल्स लोकल, पार्टी नेम क्या दिया है, यहाँ से कंप्यूटर केयर, यहाँ से पार्टी नेम ले लिया हम कौन सा, कंप्यूटर केयर, और इससे क्या सेल कर रहे हैं, लेनवो G56 डेस्कटॉप, कितना क्वांटिटी दिया है, जैसे स्पेस बटन प्रेस करें तो बताएगा आपके किस शॉप किस जगह है, ये शॉप पे है, कितना क्वांटिटी, 1। अब इसका रेट कितना दिया है उसमें, तो 30,000 इसमें इस ये किस में टाइप करना होगा, तो रेट जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रहा है इसमें, 30,000 टाइप करेंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, इंटर। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो ये बता रहा है अगर जीएसटी नहीं लिया होता तो अभी आपका डेस्कटॉप कितने का पड़ा होता है, 25,423 रुपया 73 पैसे, इंटर करके आ जाइए नीचे। अब देखिए आप प्रोडक्ट कितना में खरीदे हैं, 30,000 में, कितना पेमेंट किए हैं, 30,000, लेकिन आपको टैक्स कितना देना पड़ा है, तो सी जीएसटी आपको देना है 2,288 रुपया 14 पैसा, और यस जीएसटी देना पड़ा है 2,288 रुपया 14 पैसे, लेकिन आप टोटल अमाउंट कितना दिए हैं, 30,000, समझ में आया।
हो जाएगा ना, क्लियर सबको? किससे नहीं हो पाएगा बताओ रिंकी? हो जाएगा ना, यानी कि एक बार और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या बताए हैं कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे गुड्स सेल करते हैं जिसमें पहले से जीएसटी क्या हो, इंक्लूड हो। जैसे हम ये कहें कि आप लोग गए मार्कर खरीद के लाने के लिए, तो आपने 10 रुपए का मार्कर खरीदा, लेकिन 10 रुपया ही दिए हैं ना, अलग से जीएसटी जोड़ के तो दिए नहीं है, लेकिन आपसे क्या कर लिया गया है, इसी में जीएसटी इंक्लूड कर लिया गया है। आ रहे समझ में ना? सिंपल, अगर हम ये कहें कि आप एक जाएंगे मार्केट में 10 रुपए का चिप्स खरीदेंगे ना, तो आप पीछे पढ़िएगा तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव टैक्स। आ रहे समझ में ना? जितना टैक्स लगा हो नीचे रेट उसका लिखा गया होता है कि आपके अमाउंट उसका रेट कितना है, यानी कि जो चिप्स ने उसका रेट कितना है, कितना जीएसटी लगा है, लेकिन टोटल आपका कितना मिलेगा, 10 रुपया ही मिलेगा। आ रहे समझे ना? तो ऐसे प्रोडक्ट पे क्या किया गया होता है कि पहले से जीएसटी लगा दिया गया होता है, यानी कि हमको बाहर से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं। क्लियर सबको? हो जाएगा यहाँ तक? चलिए, यानी कि एक बार और थोड़ा ध्यान दिया। इस समय हम आप लोग क्या क्या बताएं, तो पहला चीज हमने आपको बताया क्या कि जब हम कुछ ऐसे गुड्स सेल करेंगे, तो गुड्स सेल करते समय जो हमारा एडिशनल चार्ज लगा हुआ है, तो उस समय हमको वाउचर क्लास को क्या रखना होगा, नॉट अप्लीकेबल रखना होगा। क्लियर है सबको? और उसी में दूसरा चीज हमने आपको बताया, स्टॉक क्वेरी। क्या बताया हमने? स्टॉक क्वेरी कि अगर जो आपको ये आइटम सेल कर रहे हैं और आपको परचेज प्राइस देखना है, तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, स्टॉक क्वेरी। और इस स्टॉक क्वेरी का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस यस। फिर उसके आगे हमने आपको अगला बताया प्रिंट इनवाइस। क्या होता है प्रिंट इनवाइस, कि अगर जो आप कोई भी वाउचर एंट्री करते हैं और एंट्री करते दौरान आप ये चाहते हैं नहीं तुरंत हमारा प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाए, तो आपको प्रिंट इनवॉइस में जाके इसको क्या कर लेना होगा, इस फीचर्स को यस कर लेना होगा। हो जाएगा? और अगला चीज हमने आपको बताया सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें पहले से जीएसटी लगा हो वो हमारा क्या कहलाता है, इंक्लूसिव टैक्स कहलाता है। आया समझ में? जैसे एक ट्रांजेक्शन दिया गया यहाँ पे और इसमें बताया गया आप डेस्कटॉप कितने का खरीद, कितने का सेल कर रहे हैं, 30,000 का, और 30,000 का सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, अलग से जीएसटी नहीं लेना है, उसी में आपका जीएसटी इंक्लूड है, तो हमारा टोटल अमाउंट ये आ जा रहा है कितने का, टोटल अमाउंट ये कितने का आ जा रहा है, टोटल तो हम खरीद सेल कर रहे हैं कितना में, 30,000 में, लेकिन जीएसटी हटाएं तो कितना में सेल कर रहे हैं हम, 25,430 रुपया। क्लियर है सबको? हो जाएगा यहाँ तक? क्या मिला हमको, एक ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हमको बताया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, अगर जो आप ये लेनोवो G56 डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं, तो इसमें आपका पहले से जीएसटी लगा हुआ है। आ रहा समझ में ना? तो आपको बाहर से यानी कि अलग से जीएसटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए एक आपको फीचर्स को एनेबल करना होगा, जो आपका होगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको एनेबल करने के लिए आपको पहले सेल्स वाउचर ओपन कर लेना है। आ रहा समझ में ना? जब सेल वाउचर ओपन कर लेंगे, तो आपको कॉन्फिगर में जाना है, और कॉन्फिगर में जाने वाले एक का आपको ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। आ जाएंगे टैली पर, फिर यहाँ से हम बताएं से कौन सा वाउचर ओपन किए हैं, सेल्स, और यहाँ से आपको दबाना है कौन सा, F12। जैसे F12 बटन दबाएंगे, तो आपको टैक्स डिटेल में मिल जाएगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, यस, और फिर इसको यस करने वास्ते क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट। हो जाएगा? अब उसका से यहाँ पे पार्टी नेम दे रहा है हमारा कौन सा, पार्टी नेम दे रहा है हमारा कंप्यूटर केयर। हम सेल किससे कर रहे हैं, कंप्यूटर केयर से। आ जाएंगे अपने टैली पर, पार्टी नेम ले लेंगे कंप्यूटर केयर। क्या ले लिए पार्टी नेम, कंप्यूटर केयर, और उसके बाद हम ले लेते हैं कौन सा आइटम है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ से लेंगे, तो शॉप पे पड़ा हुआ है, कहाँ है, शॉप पे। क्वांटिटी कितना है, 1। रेट कितना दिया है इंक्लूसिव वाला, 30,000। अब जैसे हम इंक्लूसिव वाला रेट टाइप करेंगे, तो ओरिजिनल रेट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे, जब तो बता देगा कि आपका जीएसटी कितना है, क्योंकि हमने वाउचर क्लास में पहले से जीएसटी क्या कर रखा है, लगा रख। आया समझे ना? अब जैसे हम यहाँ से करेंगे, देखिए टोटल जीएसटी राउंड अप सब लगा करके बता रहा है, आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, 30,000 का। आ रहा समझे ना? क्लियर सबको? अब जैसे हम लोग कोई भी आगे एंट्री कर रहे थे, तो
तो जो अमाउंट दे रहा था अमाउंट, फिर आगे लगा हम जीएसटी लगा रहे थे ना, क्या 10,000 का कोई सामान खरीद रहे थे प्लस उस पर 2,000 जीएसटी लग रहा था, तो टोटल अमाउंट कितना रहा था 12,000। लेकिन अब कितना हम खरीद रहे, कितना हम सेल कर रहे हैं हम 30,000 में, और टोटल हमको लेना भी कितना है 30,000, क्योंकि जितना हम सेल कर उसमें जीएसटी हमारा क्या है इंक्लूड, यानी कि लगा हुआ हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे और बता दें, आगे आपको मिलेगा यहाँ पे कौन सा, आगे आपको दे रहा है सेल्स ऑफ एसेट्स, बता दें ये वाला क्वेश्चन। चलिए हाँ, आज इतना आप लोग करिएगा,